फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्या बनेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर, यानी जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लेन मिरर के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था कि जब भी प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखो तो जो उसकी इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी, सेम साइज की बनती थी। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से पीछे ले जाया जाए, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से पीछे ले जाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था नेचर पे, फिर भी वो वर्चुअली रहती थी, सेम साइज की ही रहती थी। अगर और पीछे ले जाओ फिर भी वर्चुअली रहती थी, सेम साइज की रहती थी। फर्क क्या आता था कि जितना ऑब्जेक्ट पीछे जाता था उतना ही आपकी इमेज पीछे जाती थी, इतना क्लियर है। लेकिन कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता। पहले कॉनकेव मिरर क्या होता है वो क्लियर है सबको, कॉनकेव मिरर क्या होता है इस तरीके का होता है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आपका होता है पोल, यहाँ आपका फोकस और यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाएगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, क्या पढ़ रहा है कि इमेज कैसी बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, कॉनकेव मिरर के सामने। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझने वाली है, वो समझने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम काफी जगह रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि इस वाले मिरर के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट की पोजिशन को बदलेंगे तो इमेजेस बदलेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट की पोजिशन को बदलेंगे तो इमेजेस बदल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं था, प्लेन मिरर में क्या था, आप ऑब्जेक्ट को पीछे रखो पक्का वर्चुअल ही बनेगी, पक्का इरेक्ट ही बनेगी, पक्का है सेम साइज की ही बनेगी, कितना भी पीछे ले जाओ। तो वहां इस चीज को नहीं ध्यान रखना पड़ता था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। लेकिन कॉनकेव मिरर में बहुत मैटर करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और उसकी वजह से आपकी क्या इमेज बनेगी। तो इस तरीके से मैं 6 पोजिशन रखूंगा, 6 पोजिशन रखूंगा ऑब्जेक्ट की, जहां पर कि हम लोग स्टडी करेंगे कि उसकी इमेज कैसी बनेगी, क्लियर है। तो सबसे पहली पोजीशन हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पोल और फोकस के बीच में रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पोल और फोकस के बीच में रखें तो इमेज कैसी आएगी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बनाना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बनाना चाहते हो तो कम से कम कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। अगर मैंने बोला ये पार्ट ए है ये पार्ट बी है, इस ए बी ऑब्जेक्ट की आप बनाना चाहते हो इमेज, ठीक है। अब जब आप ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बिहेव करोगे जैसे एक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट और एक, अगर मुझे कैसे भी ए पॉइंट की इमेज मिल जाए और मुझे एक बी पॉइंट की इमेज मिल जाए तो क्या मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं बीच में बनेंगे, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ रखा है, किसी भी पॉइंट की अगर आपको इमेज चाहिए तो वहां से कम कितनी रे निकालनी पड़ेंगी, 2 रे निकालनी पड़ेंगी, इतना क्लियर है, ठीक है। अब रे जो निकालेंगे यहां से निकालते हैं, अगर रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाती है, कहां जाती है, फोकस से निकलती है, ठीक है, यानी फोकस से निकल रही है, ठीक है। अब हमने बोला था कम से कम 2 रे चाहिए, एक तो रे हो गई, अब दूसरी रे कैसे निकाले बताओ, ए पॉइंट से कहां जा रहा है, या तो सेंटर कर्वेचर से या फिर पोल पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो सेंटर कर्वेचर से लेते हैं, ठीक है, सेंटर कर्वेचर से पास क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर से होते हुए जाए तो क्या करती है, उसी पास से बैक हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये जो है ना ब्रॉड होती जाएंगी, यानी इधर साइड में तो आपकी रे ऑफ लाइट नहीं मीट करने वाली, तो हम चेक करेंगे क्या राइट साइड में मीट कर सकती हैं। तो जब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरीके से इधर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि इधर मीट कर गई। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप जिस पॉइंट से रे निकाले हो, आप जिस पॉइंट से रे निकाले हो तो उसी की इमेज बनेगी जहां पर वो रिफ्लेक्टेड रे मीट की है। तो किसकी इमेज बनेगी, ए की, किसकी बनेगी, ए की। अब बी की इमेज क्या बनेगी, जस्ट इसके नीचे बी की इमेज क्या बनेगी, और ए और बी के सारे पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, लगभग इसके बीच में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमने कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो जो इमेज बनी वो कहां बनी, मिरर के पीछे बनी। तो हमें बताने होंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इमेज की।
अगर तुमने नोट नहीं किया तो नोट कर लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। अब कैरेक्टरिस्टिक जब भी बताई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक यानी किसी की प्रॉपर्टी या किसी की खासियत बताई जाती है, तो इमेज के केस में तीन चीजें बताई जाती है। क्या क्या बताई जाती है बताओ? नेचर, नेचर बताया जाता है, दूसरा बताया जाता है पोजीशन इमेज की, और एक बताया जाता है आपका साइज। अगर ये तीन चीजें किसी ने बता दी इमेज के बारे में, तो हम मानते हैं ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो बन भाई डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या है? नेचर दो तरीके के होते हैं, या तो रियल या वर्चुअल। तो नेचर क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन की बात कर लेते हैं, पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। और साइज की बात कर लेते हैं, तो साइज क्या है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, क्लियर है?